थाना मंझोला अंतर्गत लोदीपुर जवाहर नगर में रहने वाले निजामुद्दीन पुत्र अनवर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र में कहा गया कि पड़ोस में रहने वाले नईम पुत्र फारूक इमरान पुत्र शमशेरी ने 7/10/2023 को घर में घुसकर उसके नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। पुत्री ने जब शोर मचाया तो छत पर काम कर रही उसकी मां दौड़कर नीचे आई। यह देखकर आरोपी युवकों ने दोनों मां बेटी को पीट पीट कर घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। शाम को जब निजामुद्दीन अपने घर पहुंचा तो घर की महिलाओं ने निजामुद्दीन को आप बीती सुनाई तो इस बात की शिकायत करने अपने रिश्तेदारों के साथ वह पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही न किए जाने पर आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने फिर से निजामुद्दीन के घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होती देख तहेरे भाई तौफिक पुत्र लतीफ बचाने आया तो उसके सर पर धारदार हथियार मारकर उसे घायल करके वहां से फरार हो गए। दोबारा मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए पीड़ित परिवार परेशान होकर SSP और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। इस बारे में पीड़ित से पूछा गया तो उसने बताया कि क्या नाम आपका? निजामुद्दीन नाम है। निजामुद्दीन आप यहाँ पे आए तो आपके पास क्या है? ये पहचान पत्र देने के लिए आया हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसी आधार पर मैं चाहता हूँ मेरे जो है क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा मामला यह है मेरे लड़की को पसंद करता है लड़का, ठीक है ना, और तुम्हारी की छेड़छाड़ी करता है। एक बार मेरे घर पर घुसा आया है ये और घर पर आकर बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी करने के बाद में मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद में मैं मारा, फिर उसके बाद में वहाँ बाहर लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्हें लिए ढकेल दिया। ढकेलने के बाद में जो क्या इन मारपीट हो गई, मेरे भाई को मारा, उसका सिर फाड़ दिया। सिर फाड़ने के बाद में वो अस्पताल में भर्ती है अमरोहा में। कौन लोग हैं वो? वो लोग हैं मोहल्ले के लोग हैं, करीब के लोग हैं वो। हाँ, क्या नाम है उनके? उनके नाम एक तो नाम है नईम, एक का नाम इमरान है, एक नाम फारूक है। तो आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा हम करेंगे कार्रवाई करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। 7 तारीख की शाम को वो सात में हुआ था झगड़ा हमारा, सुबह 8 में दिया था। आज यहाँ पर करता हूँ तक बनाया तो क्या कौन उन्होंने जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा।